हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये तो सबको पता होगा शायद, लेकिन जिन बहनों को मेरे नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। मैं तो ये लिक्विड वाला सिंदूर यूज करती हूँ। सारे मतलब कोई कोई लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करते होंगे, क्योंकि वो जो पाउडर वाला सिंदूर ही हम अगर लगाते हैं तो पसीने होते हैं तो ये पूरा फेस रेड हो जाता है, इसलिए ये मैं लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करती हूँ। और ये जब ख़त्म हो जाता है हम इसे फेंक देते हैं और एक नया ले आते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है। अगर आपके पास पाउडर सिंदूर है तो इससे भी हम लिक्विड वाला सिंदूर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हम लिक्विड वाला सिंदूर कैसे बनाएंगे, मतलब अगर ख़त्म हो जाए तो इसे इसमें हम कैसे भरेंगे या तो कैसे बनाएंगे हम। ये तो पता होगा सबको, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं तो आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, इतना भी ज्ञान नहीं है मेरा, फिर भी जितना भी मैं जानती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे पास है पाउडर वाला सिंदूर, इसको मैंने मेरे शादी के टाइम लेके आई थी, है अभी इसमें। इसको मैं कभी कभार लगाती हूँ, लेकिन हर दिन मैं ये लिक्विड वाला सिंदूर यूज करती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। इसको बनाने के लिए ये जो मैंने पाउडर वाला सिंदूर लिया है इसको मैं बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो इसमें सिंदूर नीचे गिर जाएगा। एक एक ऐसे छोटा सा पेपर लेंगे, ऐसे सिंदूर लेके, ये देखिए मैंने इसमें सिंदूर लिया है, और धीरे धीरे करके इसमें हम डालेंगे। ये देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा लेंगे और इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर अच्छे से नहीं मिक्स होगा वो। देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है, इसे हम बंद करके रख लेंगे। ये मैंने गुलाब जल लिया है, ये है गुलाब जल प्रीमियम रोज वाटर, ये रोज वाटर लिया है मैंने। और एक सीरिंज लिया है, मतलब आपका फेंका हुआ यूज करा हुआ हो और इसको हम धो के अच्छे से सुखा के इसको हम लेंगे। मैं हमेशा इसी से ही करती हूँ। ये देखिए मैंने इसका ऊपर का वो जो सीरिंज है उसको निकाल दिया है, अभी हम इससे लेंगे। ये देखिए आ गया है इसमें, अभी हम इसको इसमें ऐसे प्रेस करके डाल देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डाल देंगे, इसको सेफ जगह में रख लेंगे और इसको बस ऐसे लेके ये मेरा फूल हो गया है। अभी हम ये जो है हमारा इसको हम इसके अंदर ऐसे इसको ऐसे हिला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये गुलाब जल हम रख लेंगे, जो बचा हुआ गुलाब जल है, ये देखिए ये देखिए। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। इस वाले डब्बी में अगर हम नहीं फेंक के इसको ऐसे बना के हम लगाएंगे, ये बहुत सेफ भी है। गुलाब जल तो आपको पता है,
मतलब फेस के लिए कितना सेफ है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ, इसके अंदर ऐसे बना लेती हूँ और इसको बार बार यूज करती हूँ। आपको अगर मेरा ये छोटा सा नुस्खा अच्छा लगा है, ये देखिए कितना रेड दिख रहा है, पूरा इसके जैसा। आपको अगर ये वाला अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, मुझे जो कुछ भी आता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। थैंक यू।